उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार तमाम तरह की योजना चलाकर महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कड़े कानून होने के बावजूद भी अपराधियों में सरकार और कानून का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते देश और प्रदेश में किशोरियों और महिलाओं को दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। इसका जीता जाता मामला जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के ग्राम करथुइया में देखने को मिला। आरोपों की माने तो एक नाबालिग ननद और भाभी साथ सो रही थी, तभी गांव के ही दो युवकों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर ननद और भाभी के साथ बलात्कार कर घटना को अंजाम दे डाला। विरोध करने पर भाभी व ननद के साथ मारपीट भी की गई। आरोपियों ने ससुर के ऊपर कंबल डालकर मुंह बंद कर दिया। वहीं दोनों आरोपी ननद और भाभी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आरोप तो यहां तक भी है कि घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस ने दर्ज ना करते हुए पीड़ितों को भगा दिया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। उधर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार ननद और भाभी को चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्या तुम्हारे साथ घटना हुई है? कुछ नहीं, घर पे अकेले लेटे हुए थे, सो एक लड़का आया, उसने मेरे घर पे कोई था नहीं, वो अंदर घुस गया रात के 12 बजे। उसने हमारी छेड़खानी की, और जब मैंने अपनी भाभी को जगाया, जब भाभी जगी तो भाभी ने पापा को जगाया, तो उसने धमकी दे दी किसी को, तो पापा का मुँह दाब दिया कम्बल से। अच्छा, कोई गलत काम भी किया तुम्हारे साथ? हाँ। क्या नाम था उसका, कौन था वो? नीरज। कहाँ का रहने वाला है? का। अच्छा, क्या धमकी दे रहा है, किस तरीके से? ये अगर अगर किसी को बताया, अगर वो थाने में गई तो तेरे बच्चे को मार देंगे, भतीजे को। अच्छा, मतलब आपके भतीजे को मार देंगे। हाँ। अच्छा, कोई अश्लील वीडियो वगैरह? उसने उनके साथ में गलत हरकत की। कौन है आपकी वो? उधर रहते हैं कि आपकी? हमारी ननद है। अच्छा, कब की घटना है, कैसे क्या हुआ? 16 तारीख की। क्या बजे की घटना है? 12 बजे। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। फिर क्या हुआ? वो आया, वो तुमने इनके साथ में गलत हरकत की थी। उसके संबंध में कोई थाने में तहरीर दी है क्या? नहीं, हमारा मेरा बच्चा सो रहा था, जा कहने लगे कि अगर तू किसी को चिल्लाएगी या किसी को कहेगी तेरे बच्चा को मार देंगे। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का जो जिसने ये घटना को अंजाम दिया? नीरज। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, आपने थाने में एक तहरीर दी है, क्या पूरा मामला है? साहब, तहरीर दी थी मैंने लिख के, तो मतलब 8 दिन के बाद हमारी सुनवाई हुई, एक दो बार पुलिस भी आई है, फिर उसके बाद सुनवाई नहीं हुई तो मैं सीधा मैनपुरी गया कप्तान साहब के यहाँ मिलने। 3 दिन वहाँ भागा, उसके बाद में उनने फ़ोन ऑन किया कि इसका मुकदमा लिखो, तब जाके हमारा मुकदमा लिखा है। क्या घटना हुई थी? घटना ये लोग बता रहे हैं कि बहन के साथ हुई है, तो मैं दिल्ली से चल दिया। क्या क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ? बलात्कार हुआ सर। कौन था वो? नीरज। कहाँ का रहने वाला है? करथुआ का। अच्छा, क्या कब की घटना है ये? 16 तारीख की सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? कार्रवाई सर, ये डर की वजह से गए नहीं थाने, जब मैं आया तब इनको लेके पहुंचे, 8 दिन तक मैं भी भागा। मतलब 8 दिन तक पुलिस के अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाते रहे, उसके बाद मुकदमा लिखा गया है? जी। फिर उसके मुकदमे के बाद पुलिस ने क्या कहा? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.